अजीबो गरीब है हमारी ये प्रेम कहानी और हमारा ये सच। जो सच मैं सदी के महानायक सर अमिताभ बच्चन जी से कह ना सका, जो सच मैंने अपने प्यार और परिवार से छिपाया, जो सच मैं हमेशा कहने से डरता हूँ, आज वो सच मैं पूरे दुनिया के सामने कहना चाहता हूँ। ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए। एक आप का दरिया है और डूब के जाना है। मेरी कहानी शुरू होती है साल 2000 की एक सुबह से, जब मैं क्लास 10th का रिजल्ट देखने के लिए स्कूल जाता हूँ। स्कूल पहुँच जब रिजल्ट लिस्ट में अपना नाम ढूंढता हूँ तो पता चलता है मैं फेल हो चुका हूँ। लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। साल 2000 मेरे लिए बहुत बड़ा दुख लेकर आया था। सालों से मैंने अपने माँ को चाय बिक्री कर मुझे और घर को संभालता हुआ देखा था। सोचा था पढ़ लिख कर कुछ बनूंगा और माँ को चाय दुकान से उठा उनका सेवा करूंगा, माँ के लिए कुछ करूंगा, क्योंकि माँ को मैंने चाय दुकान में बहुत मेहनत करता हुआ देखा था। पर साल 2000 क्लास 10th में फेल होने के बाद मेरे सारे सपने सारे अरमान चकनाचूर हो गए, जिनसे मुझे अवसादग्रस्त कर दिया। मैं उस दिन खुद से हार गया। मेरे अपने मेरे दोस्त यार सभी तरह तरह के सवाल करने लगे, जिनसे बचने के लिए मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मैं खुद से नाराज रहने लगा क्योंकि मैं अपने माँ के लिए कुछ भी कर नहीं सका। मेरी माँ जो अब भी मुझे हौसला दे रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर मैं 2000 साल क्लास 10th में फेल होने के बाद सबसे दूरी बना लिया, खुद को कमरे में बंद कर लिया, क्योंकि मुझे अपनी माँ की वो हालत नहीं देखी जाती। वो सालों साल मुझे चाय बिक्री कर जिस तरह जिस हालात में पाली, उसका योगदान मेरे लिए बहुत है। पर अब मैं क्या करूँ कैसे करूँ, इसी ताने बाने के साथ मैंने खुद को कमरे में बंद करके दुनिया से दूर अपने जीवन के बारे में कुछ आत्मसात करने लगा। साल 2000 क्लास 10th में फेल होने के बाद मैं अधिकांश समय अपने कमरे में रहने लगा। बंद कमरे में मैं तरह तरह के सोच में डूबा रहता। एक दिन मैं घर पर बैठा टीवी देख रहा था, तभी स्टार प्लस में मुझे कौन बनेगा करोड़पति शो दिखता है, जिन्हें होस्ट सदी के महानायक सर अमिताभ बच्चन जी कर रहे थे। केबीसी मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं अब घर पर बैठा केबीसी देखता और उनमें पूछे गए सवाल जवाब को मैं अपनी डायरी में लिखने लगा। सर अमिताभ बच्चन, बचपन से मुझे उनकी फिल्म, उनकी अदाकारी और उनका व्यक्तित्व हमेशा से प्रभावित करती रही है। केबीसी में सर अमिताभ बच्चन जी को देखा तो मुझ असहाय और हालात के मारा को एक सहारा मिला। उम्मीद जगी वो था कि मैं भी एक दिन केबीसी में पहुंचूंगा और सर अमिताभ बच्चन जी से मिलूंगा। पर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं रजिस्ट्रेशन के माध्यम से पहुंच सकूं, इसलिए अब घर पर बैठा हर दिन मैं केबीसी देखता, उनसे जुड़े सवाल जवाब अपने डायरी में लिखता। केबीसी अब मेरे लिए स्कूल और सर अमिताभ बच्चन जी मेरे गुरु बन गए। जिस तरह एकलव्य अपने गुरु द्रोणाचार्य को पूजता है, उनके मूरत को देखकर शिक्षा लेता है,
ठीक उसी तरह केबीसी में बिग बी को मैंने भी गुरु द्रोणाचार्य की तरह पूजा। उनके मूरत को देख के मैंने भी कुछ शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश की और यहाँ से शुरू होता है एक अनोखी प्रेम कथा। एक केबीसी प्रेम की अनोखी गाथा। साल 2000 से लेकर साल 2006 मेरे जीवन का मूल मंत्र केबीसी और सर अमिताभ बच्चन जी बन गए। केबीसी देखना, उनमें पूछे गए सवाल जवाब लिखना मेरा एक धर्म एक फर्ज बन गया। हालात कैसी भी हो मैं केबीसी का साथ कभी नहीं छोड़ता। केबीसी मेरे जीवन का अनमोल हिस्सा बन गया। पर 2006 मेरे जीवन में एक और मंजर आता है। साल 2006 एक दिन अचानक राह में मुझे एक लड़की दिखती है और पहली नज़र में मुझे उनसे प्यार हो जाता है। धीरे धीरे पता चलता है उस लड़की का नाम बुलबुल है। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। पर एक बात की चिंता मुझे सताने लगती है। मैं अपने प्यार बुलबुल को क्या दे सकता हूँ? प्यार के सिवा मेरे पास क्या है? मैं एक मामूली इंसान जो क्लास 10th फेल है, जिसकी माँ चाय बेच घर को चलाती है और मैं जिनकी जीवन में कुछ भी ठीक नहीं है। पर मेरे पास एक उम्मीद है। केबीसी अगर मैं केबीसी के मंच पर पहुँच जाऊँ तो वहाँ से मैं अपना सच, अपनी विडम्बना टीवी के माध्यम से बुलबुल को बता सकता हूँ। उस वक्त 2006 मुझ में हिम्मत नहीं थी बुलबुल को अपना सच बताने का। इसलिए एक दिन मैंने बुलबुल से वादा किया, एक दिन मैं सर अमिताभ बच्चन जी के सामने अपने प्यार अपने सच का इजहार करूंगा। तब तक मेरा इंतज़ार करना। तब तक मैं ना बुलबुल से मिलूंगा और ना ही बातें करूंगा, क्योंकि उस वक्त मुझे डर था कि मेरा सच जान कहीं बुलबुल मुझे छोड़ ना दे। इसलिए वादों के सहारे उसे मैंने उम्मीद दिया और उसके जीवन से दूर चला गया। बुलबुल जिसने मुझे कहा वो मेरे वादा का पूरा होने का इंतज़ार करेगी। इस वादे के साथ 2006 मेरी कोशिश शुरू होती है। 2000 से 2006 तक मैंने केबीसी 1 और केबीसी 2 से जुड़े हर एपिसोड देखे और उनसे जुड़े हर सवाल जवाब लिख मैंने एक अनोखा प्रयास किया था। इसलिए साल 2006 मैंने अपना सच सर अमिताभ बच्चन जी के पते पर पत्र के माध्यम से पहली बार एक खत लिखा और भेजा। पर महीनों इंतजार के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। पर मेरी कोशिश जारी थी। मैंने सोशल मीडिया के जरिए फेसबुक ट्विटर के माध्यम से भी मैं अमिताभ बच्चन जी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर यहाँ भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला। पर मेरी कोशिश जारी रही। साल 2007 केबीसी 3 जिनका होस्ट सर शाहरुख खान जी कर रहे थे, मैंने केबीसी 3 के भी सारे एपिसोड शिद्दत से देखे, उनसे जुड़े सवाल जवाब शिद्दत से लिखे। इस तरह मेरा वक्त गुजरने लगा। सबसे दूर सबसे अलग मैं अपने जीवन आशा और उम्मीद के सहारे बिताने लगा। केबीसी में पहुंचना अब मेरे लिए एक जुनून बन चुका था। दूसरी तरफ बुलबुल जिनसे मैं भले दूर हो गया था पर उसके घर के करीब मैं अक्सर बैठा उसे भरोसा दिलाता कि मैं उसके साथ हूँ। बुलबुल जिस जगह में रहती है वहाँ एक बड़ा सा मैदान है। इसी मैदान में बैठा मैं दूर से बुलबुल के घर को निहारता। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे मेरे जीवन में कई अड़चने, कई दुविधा और कई रहस्य ने दस्तक देना शुरू किया, जिनमें सबसे बड़ा रहस्य था वह मैदान जहाँ बुलबुल रहती थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मुझे ऐसे लगने लगा जैसे कुणाल और बुलबुल का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं, इसमें कुदरत का कोई चमत्कार है। इसलिए अब मैं इस प्रेम कहानी को लिखने लगा। मैंने एक कोड लैंग्वेज का निर्माण किया। इस कोड लैंग्वेज में मैं अपने जीवन का हकीकत लिखने लगा।
जिनका नाम मैंने केबीसी क्रिएटेड केबीसी कुणाल बुलबुल कोड रखा। साल 2007 मैंने केबीसी 3 के होस्ट सर शाहरुख खान से भी मदद की गुहार लगाई, पर कहीं से भी मुझे कोई मदद नहीं मिला। पर मुझे एक अनोखा सच पता चला, वह था वह मैदान जहां बैठा मैं बुलबुल के घर को निहारता था। धीरे धीरे यहां मुझे परम सुकून मिलने लगा। कहते हैं किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उनसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ठीक उसी तरह यह मैदान जहां अब कुदरत भी अपना संकेत हमें दिखाने लगे। इनका बनावट भी अनोखा है, पूरब में शनि मंदिर तो पश्चिम में उस सीढ़ी नुमा बैठने का स्थान जहां मैं बैठते ही धूप में छाँव तो बेमौसम बरसात होने लगती। यहां आते ही मेरे इर्द गिर्द एक सम्मोहन सा दृश्य बन जाता और धीरे धीरे मैं इस जगह की महिमा को अपने कोड में लैंग्वेज में लिखने लगा। साथ ही मेरी कोशिश जारी रही। सर अमिताभ बच्चन जी और सर शाहरुख खान जी से अपनी फरियाद मैंने सोशल मीडिया के जरिए से किया, पर लाखों हजारों प्रशंसकों के बीच मेरी आवाज़ दबी रही। वक्त गुजर रहा था, KBC 1, KBC 2, KBC 3, KBC 4, KBC 5। साल 2011 तक मैंने KBC से KBC 5 तक के सारे एपिसोड देखे और उनसे जुड़े सवाल जवाब लिख मैंने खुद को एक फैन साबित किया। पर मेरे लाख कोशिशों के बाद भी मैं अपना सच सर अमिताभ बच्चन जी तक नहीं पहुंचा सका, जिनसे धीरे धीरे मुझ में गुस्सा और बेचैनी छाने लगी। इसलिए एक दिन मैं घर से भागकर मुंबई सर अमिताभ बच्चन जी के घर जलसा पहुंच गया। सोचा था किसी हाल में सर अमिताभ बच्चन जी से मिलूंगा, पर बिग बी सर से हमें मिलने का मौका नहीं मिला। पर हमने जलसा द्वार का दर्शन किया और निराशा फिर मुंबई टू कोलकाता अपने घर को आ गया। वक्त बीत रहा था, साल 2006 से कोशिश कर रहा था। मन में बहुत हताश थी कि मेरे प्रयास हर बार विफल हो रहे हैं। मुझ में एक तरह की बेचैनी और नाराज़गी सी छा रही थी और धीरे धीरे ये बगावत का रूप लेने लगा। हमें लगा सर अमिताभ बच्चन जी हम फैंस के परवाह नहीं करते, इसलिए अब अमिताभ बच्चन जी को सोशल मीडिया के जरिए मैं सवाल करूंगा, उन्हें उनकी गलती बताऊंगा। और ऐसे ही 2012 से 2014 तक हमने फेसबुक ट्विटर के जरिए कई बार सर अमिताभ बच्चन जी से तीखे सवाल किए। कई सवाल किए पर जवाब वही होता, कोई जवाब नहीं। और इस तरह वक्त के साथ जूझता मैं अब एक बागी बन बैठा और किसी हाल में अमिताभ बच्चन जी से जवाब चाहता था। इसलिए मैं हर दिन अमिताभ बच्चन जी तक अपनी बात कैसे पहुंचाऊं इसी सोच में जूझता रहता। और एक दिन साल 2014 मुझे सर अमिताभ बच्चन जी का एक और सोशल मीडिया एड्रेस मिलता है, अमिताभ बच्चन ऑफिशियल ब्लॉग। मुझे याद है वह पहला दिन सर अमिताभ बच्चन जी के ब्लॉग में मैं हताश निराश और बागी की तरह आते ही आपके पर सर अमिताभ बच्चन जी के ऊपर सवालों की झड़ी लगा दिया था। पर कुछ ही दिनों में मुझे मेरी हर गलती का एहसास हुआ। मैं गलत था, मेरे सर बिग बी वैसे नहीं है जैसे मैंने अपने मन में बना लिया था। वे डिसिप्लिन है, वे व्यस्त है, वे अपने कर्म अपने आप में कई कर्तव्य के कई दायित्व से सबका भला करने में लगे हुए हैं। वे सभी को सम्मान देते हैं और अमिताभ बच्चन ऑफिशियल ब्लॉग के सारे डियरेस्ट EF को सबसे ज़्यादा मान देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर कोई भावनाओं और प्रेम भाव से सर अमिताभ बच्चन जी के साथ जुड़े हुए हैं। ये एहसास होते ही हमने अपनी गलती स्वीकारी कि हम जोश और जुनून से कुछ हासिल नहीं कर सकते, जो हासिल होगा वो है श्रद्धा और प्रेम से। श्रद्धा और प्रेम से ही हम अपने आराध्य को पा सकते हैं। और यहाँ से मेरा हृदय परिवर्तन हो गया और ये शायद
2015 का समय होगा जब मैंने खुद को सर अमिताभ बच्चन ऑफिशियल ब्लॉग के आगे समर्पित कर दिया। हर दिन आना और अमिताभ बच्चन जी के ब्लॉग को पढ़ने की कोशिश करना, पर सर जी के इंग्लिश वर्ड्स इतने नए होते कि हमें गूगल ट्रांसलेशन का सहारा लेना पड़ता। और धीरे धीरे मैंने हर दिन सर अमिताभ बच्चन जी को फॉलो किया। जितना फॉलो किया उतना सम्मान आदर प्रेम बढ़ता गया। उनके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। अब आज भी बुलबुल से दूर हूँ, आज भी चाह है कि एक दिन सर को अपनी कॉम्प्लिकेटेड प्रेम कहानी सुनाओ, पर अमिताभ बच्चन जी के आगे अब मैं नतमस्तक हूँ, क्योंकि अब वे मेरे गुरु के साथ मेरे देव मेरे ईश्वर जैसे हैं। जिनके सामने सवाल नहीं बस उनसे मिला ज्ञान अर्जित करते रहो, क्योंकि गुरु का ज्ञान हर किसी को यूं ही नहीं मिलता। इनके लिए खुद में त्याग भावना रखनी पड़ती है। और इसी सोच के साथ मैंने अपना सफ़र सर अमिताभ बच्चन ऑफिशियल ब्लॉग में शुरू किया। और अब साल 2020 है। साल 2000 से लेकर साल 2020 तक मेरे जीवन में जो कुछ हुआ मैंने वो सब अपने डायरी कोड लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की। और 20 साल के दौरान जीवन में कैसी कैसी परिवर्तन और चुनौती आई और मैं अब तक अडिग और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हूँ, ये मुझे कभी कभी अचंभित करता है। पर जब से हमने सर अमिताभ बच्चन ऑफिशियल ब्लॉग से जुड़ा हूँ अब मुझे अपने सर जी पर पूरा भरोसा है। अमिताभ बच्चन जी एक सीख है, एक युग है, और उस युग में होना और हर दिन उस महापुरुष के दिनचर्या को जानना समझना हम सब के लिए बहुत बड़ी सीख है। धैर्य कर्तव्य निष्ठा और सदा सुविचार सोचने वाले सदी के महानायक सर अमिताभ बच्चन जी को मेरा कोटि कोटि नमन है। आज साल 2020 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जितना हो सका शॉर्ट में समझानी चाहिए। पर असल में जो कुछ मेरे साथ हुआ ये सब क्या है? प्रेम, सीख या कोई रहस्य? क्यों मेरे साथ एक तरफ प्रेम है, प्रेम की मजबूरी है, तो दूसरे तरफ सीख और ज्ञान है? मैं किसे सबसे पहले रखूं? यहाँ हमें कबीर जी का वो दोहा याद आता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आप ही गोविंद दियो बताए। ये वक्त बस गुरु के आगे खुद को समर्पित कर दो और मैं वही कर रहा हूँ। मेरी आखिरी सीख यही है कि मैं सर अमिताभ बच्चन जी जैसा धैर्यवान बनूं, उनके जैसा प्रयासरत रहूं। और ये मेरी वीडियो सर अमिताभ बच्चन जी और अमिताभ बच्चन ऑफिशियल ब्लॉग के सारे डियरेस्ट ईएफ को मेरा समर्पित है। तहे दिल से शुक्रिया है कि आप सब ने मिलकर एक प्रेमी को धैर्यवान इंसान भी बनाया। तो ऐसी है मेरी प्रेम कहानी, जहां हालातों के आगे हार मान एक फैसले में आकर अडिग हो जाता हूँ। वो है बुलबुल को दिया वादा। 2006 से लेकर 2020 14 साल, इन दौरान हम नहीं मिले ना बातें किए, पर 14 साल से हम एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं, जिनका गवाह ये बिल्डिंग है, ये मैदान है, ये वक्त है, जिनके साथ चलता चलता अब मेरी वर्तमान हालत बहुत ही अजीब और दयनीय हो गई है। जब से प्रेम का जुनून चढ़ा है दोस्त यार नाते रिश्तेदार सबसे दूरी बन गई है। खामोशी
मौन रहना मेरी पहचान बन गई है, ताकि ज्ञान को अर्जित कर सकूं, अपने फैसले पर अडिग रख सकूं। पर लोग, दोस्त यार, आपके खामोशी को एक पागलपन का रूप दे देता है। क्या मैं पागल हूँ दोस्तों? प्यार सभी को होता है, पर कुछ प्यार अजीबोगरीब होती है, और मेरी प्रेम कहानी भी अजीब है। अब क्या करना है समझ नहीं आता, इसलिए मैंने ये वीडियो बहुत ही हिम्मत कर बनाई है। मुझे नहीं पता जिस कुणाल के लिए, उसके वादे के लिए बुलबुल 14 साल से उस वादे का पूरा होने का इंतज़ार कर रही है। जब कुणाल का सच इस तरह वीडियो के माध्यम से पहुंचेगा, तो उसका क्या हालत होगी? आज तक कुणाल सिर्फ ये जानता है कि उस लड़की का नाम बुलबुल है, और बुलबुल सिर्फ ये जानती है कि मेरा नाम कुणाल है। पर अब सारी सच दुनिया और उसके सामने है। अब बुलबुल का जो फैसला होगा, हमें वो मंजूर है। बस अब मेरी पूरी दुनिया, हर प्यार करने वाले, हर मानव जाति, सभी बुद्धिशील आदरणीय वीडियो देखने वाले एवं सर अमिताभ बच्चन जी और शाहरुख खान जी से एक ही प्रश्न है, इज ए माई राइट और रॉन्ग? मेरे लिए जो वादा किया वो मेरी हालातों की मजबूरी थी, पर अपनी मजबूरी के आगे अब मेरा गुरु धर्म भी है, और यही शिष्य की अग्नि परीक्षा है। गुरु और प्यार दोनों को मेरा स्नेह और प्रेम है, यही इस आशिक का सच है। यह वीडियो गुरु प्रेम को समर्पित है। थैंक यू दोस्तों, होप आप सभी को मेरी समस्या, दुविधा और मेरी रहस्य की कुछ झलक मिली हो। मैं चाहता हूँ आप सभी इस वीडियो को देखें और दिल से एक लाइक और शेयर करें, ताकि ये वीडियो मेरे प्यार, मेरे बुलबुल तक पहुँच जाए। मैं उसे अपनी हर हकीकत बताना चाहता हूँ। सोचा था केबीसी में पहुँच अपनी सारी सच बताऊँगा, पर वक्त के आगे अब मुझे अपनी वीडियो खुद बनानी पड़ रही है, और बुलबुल के आगे मैं अपना सच रख रहा हूँ। मुझे खेद है कि मैंने आज तक उनसे अपनी सारी सच छुपाई थी, पर अब ये सारी सच मेरे आप लोगों के साथ ही साथ बुलबुल के सामने है। मुझे आप सभी की बहुमूल्य राय चाहिए। फ्रेंड्स, मैं अजीब दुविधा में हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है मैंने जो वादा किया, मैंने बुलबुल से जो सच छिपाया, वो गलत था। पर क्या करूँ, हम प्यार में गलत सही का समझ भूल जाते हैं। बस किसी हाल में अपने प्यार को पाना चाहते हैं। 14 साल पहले मैंने बुलबुल से वादा किया था, एक दिन अपने प्यार का इजहार केबीसी के मंच पर सर अमिताभ बच्चन जी के सामने करूँगा। और इसके लिए मैंने कड़ी मेहनत की। साल 2000 केबीसी 1 से लेकर साल 2020 केबीसी 12 तक का सफ़र अब तक बदस्तूर जारी है। साल 2000 क्लास 10th में फेल होने के बाद मैंने केबीसी को ही अपना स्कूल और सर अमिताभ बच्चन जी को अपना गुरु माना। परिस्थिति जो भी हो, मैंने केबीसी का साथ कभी नहीं छोड़ा। उसे शिद्दत से चाहा, देखा और उनसे जुड़े हर सवाल जवाब लिख मैंने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। मुझे विश्वास है सर अमिताभ बच्चन जी जरूर हमें एक मौका देंगे। यह मौका मुझे अपने प्यार के लिए चाहिए, उसे दिया वादा पूरा करने के लिए चाहिए। मेरी प्रेम कहानी अब तक अधूरी है, क्योंकि जब तक बुलबुल के मन की बात नहीं जान लेता, मुझे न दिन को चैन मिलेगी और न रातों को करार। मुझे बुलबुल को अपना सच अपनी अंदर बतानी है। कृपया दोस्तों, दिल से इस वीडियो को इतना शेयर करें कि मेरा सच उन तक पहुँच जाए, क्योंकि जब तक मेरा सच उन तक नहीं पहुंचेगी, तब तक
तक मैं खुद को एक गुनाहगार मानूंगा, पर मैंने दिल्ली से प्यार किया है और अब ये समय आ गया कि मैं उसे अपनी हर सच्चाई बताऊं। और इसके बाद उस गुलगुल का जो निर्णय होगा वो मुझे मंजूर है। पर दोस्तों, मेरी कुछ मजबूरी थी जो मैंने आप सभी को बताया, मैंने किस लिए वो अतीत छिपाया था वो सब मैंने आप सभी को समझाया। अगर आप सभी को लगता है कि मैं गलत हूँ तो कृपया कमेंट करके मुझे बताएं कि मैं कहाँ गलत हूँ। प्लीज़ फ्रेंड्स, सर अमिताभ बच्चन जी, सर शाहरुख खान जी, प्लीज़ इस प्रेमी का एक मदद कीजिए। मुझे एक वादा पूरा करना है, इसके लिए आप सभी का साथ और आशीर्वाद की ज़रूरत है। कृपया इस वीडियो को शेयर करके मेरे लिए एक मदद कीजिए ताकि ये वीडियो मेरी बुलबुल तक पहुंच जाए और मेरा सच उससे पता चल जाए, क्योंकि वो आज तक नहीं जानती है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस लिए हूँ, पर अब उसे बताना ज़रूरी है। इसलिए फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो बनाया है अपने प्यार के लिए। कृपया आप सभी इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय दें कि मैंने गलत किया या सही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। हमारी जिंदगी में भी एंड तक सब कुछ ठीक ही हो जाता है। हैप्पीज एंडिंग, और अगर ठीक ना हो तो होती एंड नहीं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। एकदम सही था कि नहीं? एकदम सही था। जनता जनार्दन, प्लीज जनता, प्लीज फ्रेंड्स, आप सभी को दिल से प्रार्थना है, कुणाल बुलबुल को अब कोई मिला सकता है तो वह आप सभी का प्रेम और आशीर्वाद है। फ्रेंड्स, इस वैलेंटाइन डे एक प्रेमी का विश आप सभी मिलकर पूरा कर दे। आप सभी इस वीडियो को इतना शेयर कर दे कि ये वीडियो बहता बहता मेरी बुलबुल तक पहुंच जाए, उन्हें हमारी सच जानने का हक है। हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल, बट माय हैप्पीनेस इज इन योर हैंड्स फ्रेंड्स। Oh.